KClO3 आ गिव्स KCl प्लस O2। देखो अब इसमें हम पहले नाम लिख देते हैं सबका, कौन कौन तत्व है। एगो हो गया के मतलब होता है पोटेशियम, के का मतलब होता है पोटेशियम, हो गया। सीएल का मतलब होता है क्लोरीन, ओ का मतलब होता है ऑक्सीजन। नहीं, ये तीनों तत्व है। अब हम देखते हैं कि कौन बराबर है और कौन तत्व पहले बराबर नहीं है। नहीं है तो होगा असंतुलित, असंतुलित है कि संतुलित है ये देखते हैं। नहीं देखो के है इधर, क्या गो है एगो है, इधर एगो है, इधर क्या गो है इधर एक गो ना है। नहीं ये तो चल रहा है अभी तक ठीक था। और सीएल इधर क्या गो है एक, इधर क्या गो है लगता है दोनों तरफ बराबर है। ऑक्सीजन इधर क्या गो है इधर, जा ये तो गड़बड़ हो गया। नहीं ये फिर गड़बड़ हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि संतुलित समीकरण तभी कहलाता है जब दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या बराबर हो। कहीं एक भी पूरा समीकरण में कहीं एक भी इधर उधर हो गया नहीं तो क्या है ये पूरे बेकार है। नहीं तो अब ये क्या हो गया समीकरण, और संतुलित समीकरण है। जरा इसको बना दे, अभी देखो ये क्या है असंतुलित समीकरण है। नहीं अब हम जो है इस समीकरण को संतुलित करके देखते हैं। नहीं इस समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे सो देखो, तो ये तो बराबर न है, ऑक्सीजन तीन गो है, यहाँ तो हम लिख नहीं सकते हैं। नहीं नहीं लिखेंगे तो हम जब भी लिखेंगे तो यहाँ लिखा करेंगे। अगर यहाँ दो दे देते हैं, यहाँ अगर दो दे देते हैं तो के क्या गो हो गया दू गो हो गया। नहीं आ इधर के क्या गो है एक के गो है। सीएल इधर क्या गो हो गया दू गो, और ऑक्सीजन इधर क्या गो हो गया तीन दूनी गुना होता है, याद रखो इसको इससे गुना करेंगे तो क्या गो हो गया छ गो हो गया। आ इधर क्या गो है जरा देखो तो के एक के गो है, सीएल एक के गो है, ऑक्सीजन क्या गो है तो ऑक्सीजन हमें छ गो पुराना है, यहाँ तीन दे देते हैं तो कितना हो गया तीन दूनी छ होता है पूर गया। ऑक्सीजन तो पूरा दिए क्योंकि ये है ना पहले असंतुलित, अब ये दोनों को यहाँ एक गो है तो यहाँ पर कितना लिख दो, तो क्या हो गया दू गो के हो गया, इससे इधर भी होगा गुना तो दू गो हो गया। तो अब ये क्या हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया, बन गया तो अब बना दो।